देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। नमस्कार, न्यूज टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम अपनो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुधीर बिश्नोई। अकाल की मार झेल रहे पशुपालकों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से पशु शिविर खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पशु शिविरों के साथ साथ जिले के चारों डिपो को भी खोलने जाएंगे और वहां से पशु चालकों को सस्ती दरों पर चारा उपलब्ध करवाया जाएगा। आपदा प्रबंधन एवं सहायता एवं नागरिक सुरक्षा नियमों के खरीफ समत 2075 में सूखाग्रस्त गांवों में पशु शिविर संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। आपदा प्रबंधन एवं सहायता तथा नागरिक सुरक्षा विभाग के शासन सचिव की ओर से कलेक्टर को जारी किए गए दिशा निर्देश के मुताबिक घोषित पशु शिविर की भांति भी पशु शिविर संचालक करने वाली संस्था की ओर से राहत सहायता के लिए आवेदन किए गए। ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके प्रक्रिया के तहत पशु शिविर संचालकों को ओर से राहत सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्टर्ड करना होगा। उसके उपरांत विभिन्न एप्लीकेशन ड्रीम आईएस व ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल से शुरू होगा। पशु शिविरों के लिए आवेदन करते समय पंजीयन प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से संबंधित तहसीलदार की ओर से 1 सप्ताह के अंदर पशु संख्या का परमापीकरण करके आवेदन पत्र की जांच कर अपनी अनुशंसा सहित प्रस्ताव जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर की ओर से आपदा प्रबंध सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को ऑनलाइन अग्रे प्रेषित किए जाएंगे। उनके उपरांत विभाग की ओर से अनुमोदित प्रस्ताव को जिला कलेक्टर की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी की जाएगी। इसी तरह किए गए निरीक्षण में रिपोर्ट संबंधी अधिकारी की ओर से विभागीय एप्लीकेशन DMIS पर ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया है कि 1 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब करीब 1400 आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं। पशु शिविर के सभी 40 चारा डिपो भी खोले जाएंगे जिनमें पशुपालकों को सस्ती दर पर चारा उपलब्ध करवाया जाएगा। 1 तारीख से इस जो 1 अप्रैल है इससे सरकार ने पशु शिविर अप्लाई करने के लिए पोर्टल खोल दिया है, तो कोई भी व्यक्ति पशु शिविर के लिए अप्लाई कर सकता है। अब तकरीबन 1400 के आसपास तो अभी ये 3 दिन के अंदर 4 दिन में हमारे पास प्रस्ताव ऑनलाइन आ चुके हैं। इसमें जो मुख्य बात ये है कि ये इस बार अभी तक जो सरकार के दिशा निर्देश है उसके हिसाब से सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो लघु और सीमांत कृषक है उनके लिए होता है, तो अभी उन्हीं के पशुओं को हम इसमें लेंगे पशु शिविर के अंदर। और 1400 जैसे मैंने आपको बताया वो है, चारा डिपो भी हम खोल रहे हैं, तो करीब तकरीबन 40 चारा डिपो भी हम खोलेंगे, तो जहाँ से आप सस्ती दरों पर चारा अपने पशुओं के लिए ला पाएंगे। खबर जयपुर से, राजस्थान रॉयल्स की टीम को रविवार को राजधानी जयपुर अपने होम ग्राउंड्स पर सीजन का 3रा मैच खेलना है। पिछले मुकाबले में RBC से जीत के बाद खिलाड़ियों के हौसले बुलंद है। खिलाड़ी अब खेल के साथ साथ अब आउटिंग पर भी मजा ले रहे हैं। आज टीम के राहुल त्रिपाठी, जोफ्रा आर्चर और धवल कुलकर्णी जैसे पिंक स्क्वायर मॉल पहुंचे। वहां पर तीनों ने सबसे पहले अपनी पसंद का सामान खरीदा, उसके बाद वो फैंस से मुखातिब हुए। खिलाड़ियों ने इस दौरान फैंस के ऑटोग्राफ देकर लकी ड्रॉ निकाले। इस बड़ी तादाद में जुटे फैंस के साथ खिलाड़ियों ने सेल्फी भी ली। इनवाइट किया था तो और तो शॉपिंग करना था सेंटर से, दे डेस्टिनेशन इन जयपुर सेंट्रल ओनली एंड उनका फेवरेट ब्रांड एल्सिस, दे वांटेड टू बाय प्रोडक्ट फॉर प्रैक्टिसिंग एंड फॉर वेयरिंग फॉर स्पोर्ट्स पर्पज रियली, दे हैव चूजन ओनली सेंट्रल। हाँ, एक्चुअली खिलाड़ियों ने सेंट्रल को चूज किया जयपुर में शॉपिंग करने के लिए और स्पोर्ट्स वेयर प्रोडक्ट उन्होंने सेंट्रल से खरीदे। उन्होंने काफ़ी, हर प्लेयर ने आराम से 5 से 10 हज़ार के बीच का शॉपिंग किया है लेटली एंड प्लेयर्स वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे प्लेयर्स वो शॉपिंग शॉपिंग और उन्होंने कस्टमर्स को अपने साइन किए हुए जर्सी एंड कैप्स सारे कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे कस्टमर्स ने काफ़ी उत्साह देखने को मिला और देवर उनको इन्विटेशंस एंड कस्टमर्स को ऑलरेडी हमने भेज दिया था, जो टॉप कस्टमर्स थे कि प्लीज़ कम एट 2:30 PM सेंट्रल में आइएगा और आपको चांस है खिलाड़ियों से मिलने का। कुछ लोगों को कुछ लोगों को हमने कस्टमर्स को, जिन्होंने लकी ड्रॉ हमने आयोजित किया था, लकी ड्रॉ के तहत हमने कस्टमर्स को IPL टिकट्स दिए मैच देखने के लिए सेंट्रल में। शनिवार को शुरू हुए हिंदू नववर्ष 2076 के अवसर पर क्षेत्र भर में कई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभात फेरी, वाहन रैली सहित कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
नववर्ष के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता द्वारा बावड़ी कस्बे में स्थित आदर्श विद्यालय मंदिर में प्रभात फेरी रवाना करते हुए महाजनों, लखारों, मेघवालों, तेलियों के मोहल्ले में होते हुए मुख्य बस स्टैंड पर वापस पहुंचे। पुणे आदर्श विद्या मंदिर में जाकर संपन्न हुई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गौतम चंद भंडारी ने नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वह हिंदू जागृति को लेकर कड़ी चिंता भी व्यक्त की। रैली के दौरान स्वयंसेवकों ने भारत माता की जयकारे भी लगाए। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता के आदेश जारी किया है कि जैसलमेर जिले के किसी भी क्षेत्र में बिना सक्षम प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना हवाई कैमरा, ड्रोन का उपयोग कर फोटोग्राफी, शूटिंग करना इत्यादि पर रोक रहेगी, न कि किसी व्यक्ति को इसके उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब है कि जैसलमेर में ड्रोन उड़ाकर फोटोग्राफी करने को लेकर नियम बने हुए हैं, मगर बिना किसी नियमों की जानकारी कहीं लोग ड्रोन उड़ाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा शादी ब्याह में भी ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल होने लगा है। भारत पाक बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना किसी अनुमति के ड्रोन कैमरा उड़ाकर फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा करता पाया गया तो उनके खिलाफ नियम समझौता कार्य की जाएगी। ये आदेश अगले 2 माह तक निकाला गया है। ड्रोन के अंदर जैसे अपना ये बॉर्डर का जिला है, साथ ही यहाँ पर मिलिट्री के एस्टेब्लिशमेंट्स है, एयरफोर्स के एस्टेब्लिशमेंट है, बीएसएफ के है, तो ड्रोन को गवर्न करने के लिए बहुत सारे नियम कायदे बने हैं। तो उसके लिए हमने परमिशन का एक सिस्टम था, तो उसी सिस्टम को हमने आगे बढ़ाते हुए धारा 144 के अंदर ये कहा है कि बिना अनुमति के कोई भी यहाँ ड्रोन नहीं उड़ाएगा, क्योंकि एक सेंसिटिव एरिया है। सभी लोग परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, उस पर पुलिस की और जो CID BI की रिपोर्ट आती है उसके आधार पर हमारे यहाँ से परमिशन जारी होगी और उसके पश्चात वो ड्रोन उड़ा पाएंगे। इसके संदर्भ में भी हमने जो फोटोग्राफर एसोसिएशन है आपके जैसलमेर की, उनके साथ भी अभी 3-4 दिन पहले हमने एक बैठक की थी, काफ़ी लोग उसमें आए थे, ताकि उन लोगों की जानकारी रहे कि किस प्रकार से बिना परमिशन ड्रोन उड़ाने पे ड्रोन भी पकड़ में आता है और जो आदमी है उसके साथ उसको भी ये लगता है कि मेरा हरेसमेंट हो रहा है, पुलिस पूछताछ करे। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ TV इंडिया पर।